सो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी और ये है द 18th एपिसोड ऑफ मुंबई की गर्दी का सीजन 2। आज हम लोग फिर से उल्लासनगर के अंदर आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट फूड खाने। बट उससे पहले यार, कल मैंने वेजी भाजी पे लाइव करा था, अनाउंस करा अपना कुकिंग चैनल। मेरे को लगा आ जाएंगे 500-600 सब्सक्राइबर। भाई साहब क्या हो गया कल, ओ हो, सुबह सो के उठा 3000 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोग भाई साहब बेस्ट हो, मतलब बेस्ट के भी बेस्ट हो आप लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक कुकिंग भाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक होगा, कुकिंग भाजी को सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ। पहली वीडियो कुकिंग भाजी पे डलेगी फिटनेस डे को, और सजेस्ट करो मुझे कमेंट करके क्या बढ़िया कुकिंग भाजी पे बनाया जाए। चलते वीडियो के अंदर इन 3, 2, 1 एंड फ्यू। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो कोरोना से पहले बनी थी, जब कोरोना की मारामारी इंडिया में आई थी उससे बहुत पहले ये वीडियो बन गई थी और अब ये वीडियोस आप लोगों को दिखाई जा रही है दिखाने के लिए कि दुनिया कैसी होती थी कोरोना की मारामारी से पहले। घर पे रहिए और जब तक कोरोना का सर्वनाश नहीं हो जाता, ऐसी भारी हिंदी में, जब तक सर्वनाश नहीं हो जाता तब तक अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। लास्ट वीडियो में उल्लासनगर में थे, फिर से आ गए। आज है ट्यूसडे जब ये वीडियो बन रही है जी। और ये वीडियो बन रही है संडे को। क्या होता है वेजी भाजी चैनल पे? मुंबई की गर्दी। पर अभी चल रही है उल्लासनगर की गर्दी में ट्यूसडे को हम लोगों ने क्या लिया, मुझे ये बताइए पहले आप। ये क्या है, ये पाव है? ये पाव टाइप सा लग रहा है, क्या ये? ये थोड़ा सा कड़क होता है, एक्चुअली कड़क होता है। कहते हैं बटन, कहते हैं बटर, कहते हैं बटन। ये वाला? ये वाला नहीं, फिर ये एक अलग तरीके का बटन है, खाने वाला बटन। जी जी, ये खाने वाला बटन है कड़क पाव। हाँ जी, बताओ ना, आपको मैंने टेक्स्ट भी किया था बीच में। ऐसा चांस की बात हुआ, जो बटन पापड़ी के ओनर थे वो हमारे सब्सक्राइबर निकले और उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं ना, हम लोग ऐसे इतना बता के नहीं आते, हम लोग ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट ही खाते हैं। तो उससे क्या हुआ, ट्यूसडे निकला और ट्यूसडे को क्या होता है ये बता रहे हैं, मार्केट लगती है, थोड़ा गड़बड़ सीन होता है, तो इसलिए इनका पूरा अच्छा खासा ठेला होता है, जो अच्छा खासा इनका पूरा बस टाइप सा होता है, मिनी बस टाइप सा, वो आज इन्होंने लगाया नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे अच्छी खासी भीड़ लगती है आज, तो शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं इनका। जो मेन चीज़ जो शूट करने का जो फ़ायदा है आज, वो इनकी बटन पापड़ी चाट। तो ये तो जब इनसे हम लोग बात कर रहे थे, जो ओनर हमें मिले थे उससे, ये सौगी हो गई, ये बन गया पाव, ये बन गया। पर ये हम लोग ले आए दो चीज़, ये है बटन। बटन इज़ लाइक अ क्रिस्पी पाव, पाव को ज़्यादा बेक कर दो एकदम, कड़क हो जाता है, कड़क पाव। यूजुअली लोग इसको चाय के साथ खाते हैं। ये मैंने दो पीस, इसमें एक्चुअली फुल प्लेट में 6 पीस आए हैं, मैंने बोला पाव तो अब सौ, वो बटन तो पाव ले जा रहा हूँ, बटन तो सौगी हो गया। एक मैंने विक्रम भाई के लिए ले लिया, एक अपने लिए ले लिया, चलूगा, चलो लेट्स ट्राई ईटिंग। इसके बाद एक इनका कौन सा पानी होता है, दिलखुश पानी, दो पानी को मिक्स करके मिलता है। पहले तो विल स्टार्ट विद दिस, पहले मैं एक सौगी वाला उठाऊंगा, फिर मैं एक क्रिस्पी वाला उठाऊंगा। दिस इज़ उल्लासनगर का शाम का खाना स्पेशल। थोड़ी सी हल्की धूप निकली हुई है बिकॉज मुंबई, यार क्या करें, मौसम ऐसा ही है प्लस अभी एकदम पीक समर्स भी आ रखी है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। सिंधी खाना हम लोग ट्राई करें, वाओ। ऐसा हल्का सा एकदम आफ्टर टेस्ट क्रीमी टाइप से आया, लाइक अ बटर टाइप समथिंग कुछ, आई थिंक ये लोग ना कुछ चटनी या कुछ डालते हैं, सेव डाला हुआ है इसमें। द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स है भाई, ये ना खट्टा भी है, तीखा भी है, मीठा भी है। ये बटन पापड़ी जो है ना, इसका आफ्टर टेस्ट ना काफ़ी क्रीमी बटर जैसा है,
आई डोंट नो कैसे बट है। इसको खा के मेरा दिल अभी आधा खुश हुआ है। दिल को पूरा खुश करना है, दिल पूरा खुश करना है तो एक प्लेट पानी की लानी पड़ेगी यहाँ से। और मेरे को बताया गया जो यहाँ के ओनर है बड़े प्यार से बता रहे हैं कि आप अभी छाव में खड़े हो, थोड़ा धूप में आओगे ना ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पानी को इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि गले से नीचे उतरेगा। क्या चीज़ है मेरे को भी नहीं पता, मैं उनकी बातों में आ गया हूँ तो समझते हैं क्या चीज़ है और थोड़ा दिल खुश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका एक आप बाइट लोगे ना आपको आफ्टर टेस्ट हल्का सा बटर का आएगा, आप ट्राई करो। अब ये बटर पापड़ी क्यों आई समझ आया, मतलब आप समझ में आया कि क्यों बटर पापड़ी। ये पापड़ी जब ना जो इनके मीठे पानी में घुल जाती है ना तो ये पूरी ना मरमली सी हो जाती है, बहुत मरमली सी, और फिर वो मुंह में क्रीम बन जाती क्रीम है, क्रीम बन जाती है। क्या पड़ता है इसमें, मसाला, खट्टा पानी और तीखा पानी। ये है दिल खुश पानी, ये है दिल खुश पानी, पी के दिल खुश होता है। अगर चीयर्स, बड़े ध्यान से करना, दिल खुश चीयर्स। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे धूप में पीने के लिए, पर एक सिप में पीना इसका मजा ही अलग है। और उल्लासनगर की जो गर्मी है वो दिल खुश को खाली खाली नहीं, सॉरी, काफ़ी कंपटीशन दे रही है। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, गर्मी सर से ऊपर ना चल जाए इसलिए हम लोग जाके छोली पैटिस लेते हैं। कहीं छोले पैटिस वाले बोले बहुत गर्मी थी भैया, मैंने लगाना छोड़ दिया। अपने को वो रिस्क नहीं लेने का, अपन लोग उल्लासनगर में आए स्ट्रीट फूड खाने, शाम का खा के जाएंगे। क्या कहेंगे, छोले पैटिस? गर्दी तो आज थोड़ी कम है, चलो किस्मत वाली बात अच्छी है क्योंकि ट्यूसडे है तो मार्केट लगी है तो गर्दी कम है, अपने को शूट करने में ईजी होगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एंट्री मिली है, बट आई एम ग्लैड कि हम लोग यहाँ पे आए। चलते हैं किसी और जगह पे कुछ और बढ़िया खाना खाने। तो गाइस अभी हम लोग हैं उल्लासनगर में, पीछे हम लोगों ने खाई बटन पापड़ी और साथ में दिल खुश करा 0.75%। जो हल्की सी गुंजाइश है वो नीचे आइए आपको दिखाता हूँ मैं, हल्की सी जो गुंजाइश है वो यहाँ पे पैटीज लेके पूरी होगी। अब जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनके लिए पैटीज थोड़ी अलग होती है, उल्लासनगर में मुंबई में आके पैटीज का मतलब हो जाता है आलू पैटी। हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो के बाद आपको ना सायन के दर्शन कराए। सायन में रहती है अपनी पंजाबी कम्युनिटी और जहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही कमाल की आलू पैटी। पर अभी हम लोग सिंधी एरिया में, मतलब सिंधी डोमिनेटेड एरिया में उल्लासनगर में, और हम लोग खा रहे हैं पैटीज तो सिंधी पे, रैविंग इट विद छोले। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें लेने वाले, एक तो ये चीज़ और जो दूसरी चीज़ जब आएगी बड़ी शानदार चीज़ है उसके दर्शन तब करवाएंगे। इसका शूट जो है बहुत फटाफट करना पड़ता है क्योंकि ना ये पैटीज जो है ना क्रिस्पी पैटीज छोले के साथ रह के सौगी हो जाएगी इसलिए मज़ा नहीं आएगा, फटाफट खाते हैं। बिल्कुल भी तीखा नहीं है, इनफैक्ट इसमें ना जो इमली की चटनी डाल के गर्म है, जो पैटीज बनी हुई ना आलू से जो पैटीज की शेप करी हुई है और धड़धड़ 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 फ्राई हो रही है, धड़धड़ 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 लोग पार्सल करा रहे हैं। अंदर इनकी सीटिंग स्पेस है जहाँ पे लोग बैठ के खा रहे हैं, पर हम कुछ ज़्यादा ही रंगीन टाइप के लोग हैं, जब तक हम लोग सड़क पे खाते नहीं हम लोगों को मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे बैठ के स्टॉल ये वाला ना स्टैंडिंग स्टॉल हम जैसे लोगों के लिए लगवा रखा है इन्होंने। एक बर्गर, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स वाला नहीं भाई, सब प्योर देसी प्योर उल्लासनगर वाला बर्गर।
भाई साहब हम लोग अपना बर्गर ले आए हैं, पर आप ये देखिए ज़रा टिक्की देखिए, ये टिक्की पैरासाइट है। इस टिक्की ने दो नन्ही जान टिक्कियों की खा ली, फूल गई भाई। एक टिक्की, दो टिक्की, तीन टिक्की, तीन टिक्कों के बराबर की एक टिक्की है। सिंपल सा मुंबई यार, आपको पता ही है पाव पे चलता है, लोगों के रग रग में पाव है। काहे बड़ा मजा आ रहा है यार। अब बाइट लेते हो आपको पाव आता है, पाव की हल्की हल्की मिठास। मुंबई के पाव के बारे में ये चीज बहुत पसंद है मुझे, फ्लेवर है अपना अलग सा फ्लेवर है। टिक्की का हल्का हल्का सा ना आलू का जो मशीपन होता ना वो है, साथ में केक इन करती है इमली की चटनी, आफ्टर टेस्ट आता है एकदम तीखी तीखी सी कोरिएंडर माने धनिया की चटनी का। थोड़े थोड़े छोले डलवाए हैं नाम के लिए, सिंधी लोग ना बड़े ज़्यादा दिल खुश होते हैं। अब चीज़ मांगोगे ना एक्स्ट्रा मना नहीं करेंगे, मांगे लो भाई दिल खुश लो। तो अभी क्या सीन क्या है, हम लोगों का प्लान था सिंधी पानी पूरी खाने का, बट हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। सिंधी पानी पूरी जितना हम लोगों को समझ आया दिल्ली में जैसे आलू का मसाला डालते ना वैसे टाइप का था, तो अभी अच्छे से समझ नहीं आ पाया उल्लासनगर में आके कि पानी पूरी सिंधी होती क्या। अगर आप लोगों को पता है क्या होती है तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुंबई में मिलती है पानी पूरी में रगड़ा या फिर बूंदी डालते हैं, दिल्ली में आलू डालते हैं, तो ये दिल्ली वाली पानी पूरी गोलगप्पे ही हो गए एक तरीके से आटे वाले। तो मेरे को यहाँ पे ढंग से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आपको पता है तो बताइएगा। अब क्या रहता है ढंग से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो दिखाने का मजा भी नहीं आता। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुंबई की गर्दी आती है हर संडे वेजी पाजी पे, नेक्स्ट संडे हम लोग जाने वाले हैं थाने, वैसे लोग बोलते हैं थाने बट वो होता है थाने फ्रॉम द एपिग्लॉटस एक नंबर है। अगर आपको उल्लासनगर और डोंबिवली का खाना आपको अच्छा लगा ना तो थाना बोल रहा है होल्ड माई वड़ा पाव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय लाइफ, मजा नहीं लाइफ।